हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं बरसे जो बादल, ये वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको एक वीडियो शूट करना है कुछ इस तरह से। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको 50% पार जो है ऊपर से आपको आसमान दिखना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। देख सकते हैं मैंने कुछ वीडियो इस तरह के शूट किया हूँ, आप इससे भी बेहतरीन वीडियो शूट कर सकते हैं। शूट करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने दो वीडियो का लिंक और काइनमास्टर एप्लीकेशन का भी लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ किस तरह से आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं पहले वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। साउंड म्यूट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है और आपको देखना है वीडियो आपको किस प्रकार कहाँ से आपको स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारा यहाँ बैकग्राउंड बिल्कुल खाली दिख रहा है और यहाँ से हम आने के स्टार्ट करता हूँ। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद कुछ आगे की तरफ हम आते हैं और यहाँ से आपको स्लो मो भी कर सकते हैं या फिर स्लो मो नहीं कर सकते हैं, तो आपको स्पीड टू कंट्रोल पर करना है और यहाँ पर आपको मैं स्लो मोशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 0.5 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो वीडियो जो हमारा सेकेंड पार्ट का वीडियो है जो हमारा स्लो मो में हो चुका है। तो आपको जहाँ तक वीडियो रखना है वहाँ तक आप रख सकते हैं। तो देख लेना आपको वीडियो कहाँ तक खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म हो जा रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और राइट साइड का पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे। अब हमारा जो वीडियो जो है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो हमें फर्स्ट वाले पार्ट को कुछ करना नहीं और सेकेंड वाले पार्ट को हमें एडिट करना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और लास्ट पॉइंट पर आ जाना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट पॉइंट पे आना है। आप देख सकते हैं वीडियो आपका कुछ इस टाइप का है। वीडियो एडिट करने में काफ़ी मेहनत लग गया दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना। इसके बाद इसे फुल स्क्रीन में करना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ का ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग पर आने के बाद यहाँ पर सिर्फ आपको ओनली ओवरले सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जा रहा है जो काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं और ये वीडियो टिकटॉक पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। फिर से हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। अब देख लेना, आपको ध्यान रखना है सेकेंड वाले वीडियो से स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको आना है। इसके बाद लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है और यहाँ पर एक वीडियो का लिंक और मैं दे चुका हूँ, तो सिंपल उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं वीडियो आपको कुछ इस तरह से है, जैसे लग रहा है जैसे कि बादल को गरज रहा है। इस वीडियो पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से, इसको आपको जूम कर लेना है और ऊपर की तरफ आपको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। इसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद डन करेंगे। इसके बाद आपका वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में से जो भी ऑडियो है वो आपका बाहर आ जाएगा, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद वीडियो पर क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। लास्ट पॉइंट पर आना है, यदि एक्स्ट्रा साउंड है तो एक्स्ट्रा साउंड को ट्रिम टू राइट भी कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक साउंड लिंक भी दे दूंगा, उसी वीडियो के साउंड पर आपको वीडियो को अपलोड कर देना है। इसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेक करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने साउंड लिंक भी दे चुका, उसी वीडियो के साउंड पे आपको वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना